सो हेलो माई डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म और आज हमारे साथ रविंद्र सर हैं एंड हम बात करने वाले हैं गेट एंड ई एस्पिरेंट्स जो अभी गेट 2025 ट्वेंटी एंड ई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो काफ़ी सारे चैलेंजेस सर आते हैं सर इट्स सेल्फ क्रैक्ड गेट एज वेल एज यू पी एस सी ई एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली सर थोड़ी सी आपकी मदद कर सकते हैं एंड आई है स्टूडेंट साइड जो जनरल स्टूडेंट्स uh, को प्रॉब्लम आ रही है तो so, दोनों के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ कर हाँ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक क्वेश्चन तो था कुछ स्टूडेंट्स हैं जो या तो कॉलेज गुएंगे या तो ऑफिस गुएंगे जिनके पास पहले भी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं था बट अभी वो क्या है ना कि दोनों को साथ में टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे कॉलेज गोइंग बच्चे अगर सिर्फ हुँ. आप ड्रीम के लिए बहुत बड़ा टारगेट रख रहे हैं या हुँ. कहने में अच्छा या दिल को अच्छा लगता है बट आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हुँ. फिर तो आप परेशान ही होंगे See, का सबसेट होता है, गेट गेट का जो सिलेबस है प्लस कुछ टेक्निकल एक्स्ट्रा प्लस कंप्लीट जीएस एक्स्ट्रा इज ई Yes. तो अगर कॉलेज गोइंग है बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं कुछ होते हैं जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर से प्रिपरेशन भी शुरू हुँ. कर दी थी ब्रिलियंट भी थी तो टारगेट कर लो आपको पता लग रहा होगा आपसे हो जाएगा सिलेबस कवर करना है हुँ. तो भाई हुँ. आपसे हो रहा है तो हो जाएगा हुँ. तो अगर आप कर पा रहे हैं तब तो ठीक तो है आप लिए गुड फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो आप गेट पे स्टिक करिए अभी फिर आप जब नेक्स्ट जब आपका गेट हो जाएगा पीएसयू में चले जाएंगे तब फिर से आप देना फिर आप ईएससी की तरफ टारगेट कर लेना कॉलेज गोइंग का हो गया जॉब गोइंग जो है आपके पास आपके पास टाइम काफी कम होता होगा हुँ. तो आप ना जीएस के पेपर पे अच्छा

And, uh, भी आपने uh, कर दिया है। के एक दो क्वेश्चन आपसे अगर बिना पढ़े भी हो गए आपके न्यूज में इतना आ रहा था लेकिन कुछ चीजें तो पढ़नी ही पड़ती है ना हुँ. वो तो आपको रिवाइज करनी पड़ेंगे या मटीरियल साइंस है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह का तो भूल जाओगे आप नहीं पढ़ोगे तो

में पैटर्न तो, हाँ, तो वो एग्जाम निकल गया प्रियम उसमें जब वो आया रोल नंबर तो मेरे को मैंने ऐसी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करके नहीं की थी बट मैं ये कहूंगा अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता है ना जीएस का पेपर है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है बच्चे साइड लाइन कर देते हैं ऐसे नहीं होता भाई करनी पड़ती है प्रिपरेशन ये बात समझिए और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे एक्चुअल में टाइम नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन करने का सो इट्स बेटर टू गो फॉर दी गेट एग्जामिनेशन ओनली क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है पीएसयूज भी मिल सकता है आई हो गई एनआईटी हो गई अगर मास्टर्स का प्लान है अब्रॉड जाके करने का तो भी गेट के थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं देन सर गेट एंड एएसी साथ में चल रहा है तो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में चल रहे हैं mm -hmm. तो प्रीलिम्स के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं क्योंकि अगर हम जीएस हाँ, के तो भी 8 साल हाँ, के प्रीवियस ईयर है वो तो कर लो टेक्निकल में काफी क्वेश्चंस हो टेक्निकल में जैसे प्रीवियस ईयर mm -hmm. अब आप जैसे जीएस के तो पिछले 8 mm -hmm. ही साल का है mm -hmm. 17 से तो शुरू हुआ है ये वाला पैटर्न तो जीएस के तो सारे करने हैं ईएससी का टेक्निकल और गेट का प्रीवियस ना थोड़े कम कर दो ये नहीं है चालीस साल की बुक मिली तो चालीस ही कर रहे हो टाइम नहीं है ना आप पे

पता होता है कि आप किस में वीक हैं वो हाँ, कर लो आप बहुत ज्यादा क्योंकि आपके पास समय नहीं है हुँ, हुँ, आप हर सब्जेक्ट में फील लेने की कोशिश मत करो आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हैं तो उसको स्किप कर सकते हो बाकी मल्टी सब्जेक्ट भी आप एक पल के लिए हट सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है आप फिर फुल लें टेस्ट दीजिए उससे ज्यादा आपको अपने आप मतलब परफॉर्मेंस को आप असेस कर पाओगे हम्म हम्म देन सर अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि इसमें काफी डर रहता है इंजीनियर्स टेक्निकल में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं नॉन टेक वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टनेस रहती है तो अगर हम लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ दें तो उसके अलावा कौन कौन से रेफरेंस बुक्स को फॉलो किया जा सकता है फॉर दी प्रैक्टिस यार एक तो जैसे आई एम पार्ट ऑफ मेडिसी तो मेडिसी की तो एक बुक आती है उसकी जीएस okay. प्रैक्टिस की तो उससे कर सकते हैं आप, उसमें आपको काफी हाँ। अच्छे और दूसरा ना भाई आपने हाँ। जैसे कहा इंजीनियर को डर लगता तो इंजीनियर्स का कौन सा नॉन टेक वाले से कॉम्पिटिशन है कंपटीशन तो इंजीनियर का इंजीनियर से ही, ही, तो ही है इसमें फर्क क्या पड़ता है हुँ, हुँ. अब एक आदमी अगर क्यों कही कहे कि हुँ. इलेक्ट्रिकल का हूं मैं सर लेकिन इलेक्ट्रिकल का पेपर ना होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया था हाँ कुछ अ, सब्जेक्ट कॉमन थे इलेक्ट्रिकल के हुँ. अरे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़ी दे रहे थे पेपर दे तो इलेक्ट्रिकल <laughs> वाले ही दे रहे थे ना सारे भाई सिलेबस अगर आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाता है तो सबके लिए आया है ना उसमें तो फालतू के बहाने बनाने वाली बात सर लास्ट स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि लास्ट मंथ में क्या क्या वो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन में ध्यान रखा था और इस बार स्टूडेंट्स को भी अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखना चाहिए आ, यार मेरे को एक तो लगता है कि आपका जो टारगेट है हुँ. वो टारगेट आपने जो भी टारगेट रखा हुआ है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायरमेंट ऐसी है तो जैसे मान लीजिए मेरे को सिक्स पैक एब्स चाहिए तो उसके लिए मुझे क्रंचीज लगाने पड़ेंगे ना और उसके लिए इतने क्रंचीज लगाने पड़ेंगे इतने टाइप ऑफ होंगे और ये मुझे रोज करने होंगे तब जाके तीन महीने में एब्स आएंगे ये है तो मुझे तो पहले दस दिन में ही पता लग जाएगा ना मैं क्रंचीज लगा रहा हूँ तो मेरे आएंगे नहीं तो फिर एकदम से तीन महीने बाद जाकर अरे है नहीं अभी <laughs> अरे भाई तेरे को पता तो दूसरे तीसरे दिन से लग गया था ना जब तुमसे क्रंचीज नहीं लग रहे तो नहीं होगा नहीं, तो जो भी टारगेट है उसके हिसाब से एक क्या बनेगा आपकी एक्शन प्लान एक्शन प्लान बनेगा वो आपको दूसरे तीसरे दिन पता लग जाता है परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है नहीं अगर परफॉर्मेंस वैसी आ रही है तो तुम कोशिश तो कर ही रहोगे तो अपना टारगेट थोड़ा नीचे ले आओ भाई और वो टारगेट इतना भी नीचे ना आए कि सर मेरे को तो पास ही होना है ठीक <laughs> है भाई वो इतना भी नहीं तो टारगेट को थोड़ा नीचे लाओ थोड़ा एफर्ट को पुश करो <laughs> तो जब टारगेट ये है और एफर्ट ये है जैसे <laughs> मैच करेंगे यूल बी इन हारमनी और फिर आप रोज मेहनत करेंगे रोज अच्छा महसूस <laughs> होगा सोएंगे आप चैन से रोज ठीक <laughs> <थेक laughs> है तब आप समझ लेना कि ठीक चल रहा है बस हो जाएगा सो थैंक यू होपफुली सर ये जो पॉइंट्स थे ये आप लोग के माइंड में कहीं ना कहीं होंगे और आपके एंड से ही हमें रिसीव हुए थे तो हमने सोचा कि इसको सर एड्रेस करना चाहिए बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो मेडिजी uh, के प्लेटफॉर्म पर शुरू से होती आई है और यहाँ पर ADC जो कराता है मेडिजी कराता है की तो यहाँ से आपको अगर थोड़े कुछ गाइडेंस मिल जाएगी सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा सर और हम दोनों मिलकर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे थैंक यू वेरी मच गुड बाय टेक केयर थैंक यू थैंक यू ऑल